हेलो गाइस, क्या हाल है दोस्तों? स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों सवेरे सवेरे उठ के यहाँ पे आए हुए हैं। कल का ही था गंगोली का भाड़ा, से उसको कल सुबह आना था, शाम में नहीं, और शाम में वही सुबह आए हैं करीबन 4:30 बजे उठ के। दोस्तों 5 बजे करीब यहाँ पहुँचे हैं, और पीछे आप देख ही सकते हैं बक्सा अलमीरा और ड्रेसिंग सब लदा रहा है। दोस्तों ये जाएगा आपका गंगोली जाएगा, और रिलेशन का ही है दोस्तों, ज़्यादा दूर का नहीं है। अब देखिए कब तक पूरा हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और चक्की भी जाना है, यहाँ से पूरा होता है तो उसके बाद चक्की चला जाएगा। दोस्तों फिलहाल अभी लदवाते हैं, तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। और दोस्तों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए दोस्तों। तब तक ले आगे क्या होता है आपको थोड़ी देर में बताते हैं। हेलो गाइस, दोस्तों आपको बता ही थे गए दोस्तों, वहाँ पे पलंग वलंग लादे हैं, उसके बाद उतार दिए दोस्तों। उतार के चक्की आके सोए हुए थे बहुत देर ले दोस्तों, थोड़ा देर बाद जाके लोड हुआ है। क्या लोड होता है चक्की में दोस्तों? चोकर आटा यही सब लोड होता है। लोड हुआ है, रस्सा हम खुद बांधे हैं। अब निकलने का बारी है दोस्तों, गेट की है, गेट बांधे, लंच का समय है दोस्तों। हेलो गाइस, दोस्तों चक्की से दोस्तों आ गए हैं, दोस्तों चक्की से आ गए थे और आपका सामान खाली करवाए, चट्टी पे ही करवाए दोस्तों, वही खाली करवा के घर गए और खाए हुए दोस्तों। ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाए दोस्तों, 3 बजे तो घर ही गए थे, कहते हैं 2 घंटा ही रेस्ट किए। 2 घंटा रेस्ट करने के बाद अभी मन पे सब्जी के लिए बुलाए हैं, तो जाते हैं दोस्तों सब्जी में। और शायद जाना है कहाँ आपको बता देंगे, लोड होने दीजिए, अभी हम खुद कंफर्म नहीं है, अब कंफर्म होते हैं तो बता देते हैं कहाँ जाना है दोस्तों। तब तक लोड करवाते हैं, उसके बाद आपसे बताते हैं। अभी संतोष जी के इंतज़ार कर रहे हैं, किधर है पता नहीं, वो फ़ोन किए तो बोले गाड़ी के पास ही है, तो फ़ोन आने दीजिए, जाते लोड करवाते हैं, आपको बताते हैं क्या लोड होता है, उसके बाद जहाँ निकलेंगे वहाँ आपको बताएंगे। आज थोड़ा दूर जाना है, पल्टी नहीं कराना दोस्तों, लेकिन कहाँ जाना है लोड होने दीजिए, तो हमको भी पता चलेगा आपको भी पता चलेगा। कंटिन्यू रहिए दोस्तों। हेलो गाइस, दोस्तों क्या हाल है, गुड मॉर्निंग आप सभी को दोस्तों। अभी दोपहर का समय हो रहा है दोस्तों, कल रात का वीडियो प्ले पीछे वीडियो देखिएगा दोस्तों, रात में बहुत परेशान हो गए, ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाए आपको। लेकिन इस दोस्तों ये अभी सवेरे बहुत देर तक सोए हैं, करीबन आपका 9 बजे तक सोए हैं, इतना देर नहीं सोते हैं। और एक भाड़ा था आपका डुगराव गोला का, वो भी छोड़ दिया, गाड़ी हिल रहा है दोस्तों, से कैमरा हिल रहा है आपका, और गाड़ी चल रही है, देख आप देख सकते हैं इधर गाड़ी चल रही है। और हम जा रहे हैं दोस्तों जगदीशपुर, एक साटा है, और आपको बताएंगे किनका साटा है, वो थोड़ा क्लोज है हम लोग के, तो वही चलते हैं साटा में जगदीशपुर, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे दोस्तों, इस देश में नहीं जाएंगे, पर नहाएंगे धोएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, पहुँचते हैं, अब जाएंगे सेमरियों के बलियारों के दोस्तों, तो आपसे बात करते हैं घर जाके जगदीशपुर, या रास्ता में देखते हैं कुछ रेस्ट करेंगे कहीं, तो आपसे बात करेंगे। हेलो गाइस, दोस्तों आके आपका जगदीशपुर से आए, वहाँ से नियाजीपुर से निकले, थोड़ा थके थे, रेस्ट वेस्ट किए, खाना आए धोए, खाना वाना खाए, खाना खा के रेस्ट किए और निकले हैं दोस्तों सफ़र में। आपको तो बताए ही थे पप्पू भैया के छोटे भाई का शादी है, नहीं जाना, आपको दिखाए नहीं, उनको दिखा देंगे, बस समय नहीं मिला, जल्दीबाजी हड़बड़ी में थे, पीछे लोड किए छोटा मोटा झपोली पुल लोड है दोस्तों। अब कुछ दिनारा जा रहे हैं, और वही महाराज का पुल होके जाना है, ननसोई होके सुनते बनवास ननसोई होके चलना है दोस्तों। रोड तो शायद अच्छा बन गया है, ख़राब नहीं है, चलिए निकलते हैं। ये भी आपका है, हम आपका फिलहाल यहाँ पे पंडितपुर वाला रोड में है दोस्तों, वहाँ से पुल पार कर इटाड़ी घुसते हैं, तो आपसे बात करते हैं, देखते हैं जाम है कि नहीं है, या ननसोई में जाम मिलता है कि नहीं। चलिए सफ़र में कंटिन्यू रहिए, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों फाइनली पहुंच गए दोस्तों, अंधेरा है, गाड़ी का लाइट अब जाम है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ दोस्तों, इधर आगे पीछे सब अब साइड से देख सकते हैं कितना जाम है। पहुंच गए हैं यहीं पे मैरिज हॉल है, और मैरिज हॉल का कोई लाइट नहीं आ रहा है दोस्तों। अब गाड़ी से उतरेंगे, गाड़ी साइड करेंगे एक जगह, उसके बाद आपको देखेंगे कहाँ मैरिज हॉल है, क्या है पता चलेगा। अभी फ़िलहाल हमको खुद नहीं, हमको पता चलेगा तो आपको बताते हैं दोस्तों। Thank you.
दोस्तों, आपको वहाँ बताए थे कि जा रहे हैं पप्पू भैया के शादी में, आए हुए आपका दिनारा दोस्तों। दिनारा में आके आपको सब कुछ हो गया दोस्तों, चाहे जयमाल हो गया, दुआरी बराते लग गया दोस्तों। नहीं दिए वीडियो क्योंकि हर बार हम बना रहे तो कॉपीराइट लग जा रहा दोस्तों, पता नहीं क्यों। गाना का कुछ अंश चल जा रहा है, उसमें कॉपीराइट लग जा रहा है, इस वजह से नहीं दे पा रहे। बाकी दोस्तों अभी आए हैं, आप देख सकते हैं ये हाईवे है और हाईवे का बगल में ही आगे जो आपको लाइट आपका जो दिख रहा है, वो लाइट जो चमक रहा है दोस्तों, वही है मैरिज हॉल दोस्तों। नहीं फोकस कर पा रहा दोस्तों है, और यहीं पर हम लोग ठहरे हुए हैं। देखिए अभी तो शाम, हमको तो दोस्तों सुबह में ही जाना, अभी नहीं जाना क्योंकि उनको अभी समय है, टाइम है, सुबह निकलेंगे। अभी जाते हैं, थोड़ा खा लिए, खाने गए तो दोस्तों सब कोई खा के ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ दोस्तों पेट भरने के लिए खाएं, उसके बाद गाड़ी में सोते हैं। देखते हैं, गाड़ी में ही सोएंगे, गाड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे, गाड़ी में सोते और उसके बाद यहाँ से चलते हैं दोस्तों सोने के लिए। और फ़ोन करेंगे पप्पू भैया तो उठेंगे, फ़ोन को चार्ज में लगा देते हैं, चार्ज नहीं है दोस्तों। तब तक ये देखिए, आपको जिनका शायद नाम दिखे आपको, ये देखिए दोस्तों चमका ना, यही है दोस्तों मैरिज हॉल का नाम, होटल जगदीश, जगदीप मैरिज हॉल दोस्तों, यही है दोस्तों मैरिज हॉल, होटल जगदीप मैरिज दिनारा, यही पे है दोस्तों। और शादी में हर आपको तो हर बार वीडियो देते हैं, शादी में क्या दें हम, उसको कुछ समझ में नहीं आता, हर बार तो वही चीज़ होता है, हर शादी में वही चीज़ होता है, लेकिन स्पेशल होता है, सब शादी का अलग अलग स्पेशल होता है, लेकिन नहीं देते क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट गाना, वहाँ डीजे पूरा इतना साउंड बजता है कि मेरा खुद का आवाज़ नहीं सुनाई देता और कॉपीराइट लग जाता है दोस्तों। चलिए जाते हैं गाड़ी में, आपको अगर लोड होगा सामान तो हम आपको उस समय बताएंगे, अभी फ़िलहाल सोने जाते हैं दोस्तों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को दोस्तों। अभी दोस्तों सो के उठे हैं और गाड़ी लगा दी है दोस्तों पलंग लादने के लिए। देख सकते हैं दुल्हन का विदाई हो रहा है दोस्तों, ये विदाई दुल्हन का हो रहा है, मतलब आगे जाके विदाई हो जाएगा। अभी यहाँ से खुल रही है गाड़ी, द्वार पे से विदाई हो जाएगी थोड़ी देर में, और लगा देते हैं वहाँ पे कम से कम पलंग वलंग बक्सा कुछ भी लोडिंग हो, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। और दो चार दिन लगाते तो दिखाते हैं कितना कष्ट होता है, कष्ट ज़्यादा नहीं होता, अगर सामान दो पिकअप है तो आराम से लदा जाएगा, एक पिकअप में हटाने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर वो गाड़ी हटिए, वहाँ बढ़ाते हैं आगे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। गाइस हम लोग रास्ता में निकल गए दोस्तों वहाँ से लाद के, ज़्यादा देरी नहीं किए, जितना आधा घंटा या 45 मिनट में दोनों दो गाड़ी लगा गया दोस्तों। गाड़ी आप देखिए सामने चल रही है और एक मेरी गाड़ी है, दो गाड़ी का माल दोस्तों लदाया है और सफ़र में कंटिन्यू हो रहे हैं। इसके बाद जाना है एक जगह और दोस्तों, जाना है, देखते हैं कहाँ पे जाना है। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल, एक घंटा डेढ़ घंटा लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, सफ़र हमें कंटिन्यू होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं आपसे थोड़ा दूर चलने के बाद। देखिए नहर पे चल रहे और यहीं पे हम लोग चल रहे हैं नहर, ये माधव पुल कहा था, और नहर सूखा हुआ है, पानी नहीं है, पानी रहता है तो अच्छा लगता है, पानी नहीं है कुछ तो बहुत बहुत पतला जगह है दोस्तों, बहुत पतला है, देखिए कैसे नहा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बहुत पतला जगह था दोस्तों, निकल गए अपने गांव में जगदीशपुर घुस के हैं दोस्तों, यहाँ से जगदीशपुर लिख रहा है दोस्तों 3 किलोमीटर। चलिए गांव पे जाते हैं, वहाँ पे जहाँ खाली करना है वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत नींद आ रहा है दोस्तों, बहुत नींद आ रहा है, बहुत सो रहे थे गाड़ी में, बोले इधर उधर हो जाएगा कुछ, किसी भी तरह कंट्रोल किए हैं दोस्तों। अभी एक लोडिंग और करने जाना है, देखते हैं कब जाते हैं, इसको खाली होने के बाद ही जाएंगे। और ये देखिए पेड़ ओड़ दोस्तों, ये अच्छा लगता है हमको हरियाली। चलिए पहुंचते हैं जहाँ लोडिंग करना है वहाँ पे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हेलो दोस्तों मादा में आए हुए, आप तो बता के थोड़ा आराम कर रहे दोस्तों, पता नहीं गाड़ी चलाने से इतना नींद क्यों आता है, पीछे लदा गया थोड़ा सा, बाकी
प्रफुल्ल जाता है तो यहाँ से निकलेंगे लक्ष्मणपुर, ज़्यादा दूर नहीं है, गंगा पुल पार करने के बाद पड़ता है लक्ष्मणपुर, वहाँ पे टीपी कटेगा, वहाँ से चलेंगे लक्ष्मणपुर, वहाँ खाली होगा, उसके बाद चले आएंगे दोस्तों घर, सब घर जाके खाएंगे पिएंगे सोएंगे दोस्तों, बस इतना ही काम है और ज़्यादा काम नहीं है बस। चलिए थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद आपको देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा सुस्ती लग रहा है, थोड़ा सा गाड़ी चलेगा तो ठीक हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको देते हैं गंगा पुल का वीडियोस। हेलो गाइस, दोस्तों लदा गया गाड़ी, अब स्टार्ट करते हैं इंजन और देखिए कैसे वाइब्रेट करेगा दोस्तों, देखिए देखिए वाइब्रेट किया दोस्तों। चलिए अब निकलते हैं और अपने मंजिल की ओर पहुँचते हैं और जल्दी से अपना भूख लगा कुछ खाएंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों, तब से बात करते बाद में थोड़ी देर बाद। हेलो दोस्तों, हम जहाँ पहुँचना था दोस्तों वहाँ पहुँच गए और बारिश हो रहा है, आपको शायद नहीं पता चले कैमरा में लेकिन बारिश, और ये देखिए उतर रहा टेंट के सामने, कुछ वहाँ उतरा, वहाँ इसलिए उतरा कि दोस्तों रास्ता पूरा डाउन में है, गाड़ी उतर नहीं पाता, और इधर कुछ उतर रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर ये उतर रहा, उतरने के बाद यहाँ से निकलते हैं, तेल का पैसा लेंगे निकलेंगे दोस्तों, और अगर खेत जो उतरा ट्रैक्टर। चलिए यहाँ से निकलने दीजिए, खाली हो जाने दीजिए, टेंट का सामान सब हमको अच्छा ही लगता है, गाड़ी रात में खड़ा खाली होगा तो निकलते हैं यहाँ से। हेलो दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, आप देखिए कहाँ पे लाल लक्ष्मणपुर है, वो बलिया लक्ष्मणपुर नहीं है दोस्तों, ये है खाली हो जाता है, निकलते हैं और आपको नया पुल नहीं दिखा रहे टर्न टाइम, इधर से जाने आने टाइम नहीं दिखाएंगे, जाने टाइम आपको दिखाएंगे क्योंकि नया पुल बन गया। गाइस गाइस ये देखिए, ये है नया पुल दोस्तों, ये है नया पुल बक्सर का बना हुआ, इसके नीचे ये नया पुल देख सकते हैं, कितना पुराना पुल सा है, स्वच्छ अच्छा है क्योंकि नया है और मजबूत बनाया गया, इस पर हर तरह का गाड़ी चल सकता है, उस पर नहीं जा सकता क्योंकि कमज़ोर हो गया, बहुत पुराना हो गया दोस्तों। आगे पुलिस बैरियर है, उसको पार कर लेने दीजिए और आपको बताते हैं, अभी थोड़ा मोड़ा इनका रिपेयरिंग का काम हो ही रहा है इसका, और बहुत तेज़ भूख लगा दोस्तों, गुलंबर में रुक के खाएंगे, पहले रिपेयरिंग का काम हो जाने दीजिए, रिपेयरिंग बोलते हैं दोस्तों, चेक पोस्ट पार कर जाने दीजिए, तो उसके बाद आपसे बात करते हैं दोस्तों। चेक पोस्ट पार हो गया है, गुलंबर के पास में है, सोच रहे घर चल जाए ना खाएं, भूख तो लगा है दोस्तों, क्या करें, या सिमरी में खा लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना दोस्तों, भूख लगा है तो बहुत तेज का भूख लगा है। गाड़ी साइड करते हैं कहीं, उसके बाद खा के दोस्तों फिर सफ़र में कंटिन्यू होता है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों, गाड़ी कहीं साइड में लगाते हैं, कहाँ लगा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रक तो पीछे ही लगा देते ठीक नहीं, आगे लगा देते हैं, पीछे ज़्यादा क्यों लगाएंगे दोस्तों, ये आगे साइड में, इधर में आगे साइड में लगा देते हैं, कोई टेंशन वाला बात ही नहीं रहेगा दोस्तों, ये साइड में इधर में दोस्तों लगा देते हैं, उसके बाद खा के आते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ लगा दिए दोस्तों, खा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपसे बात करते हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लगा दोस्तों, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलिए खा लेते हैं। हेलो गाइस दोस्तों, गाड़ी लगा दिए न्याजीपुर में दोस्तों, न्याजीपुर में लगाने के बाद कपड़ा चेंज किए, देखिए कपड़ा चेंज करके यहाँ जग में आए हैं, आप देख जग का माहौल देख सकते हैं, इधर हर कीर्तन होता है दोस्तों, आगे मंच है और यहाँ सबको खिलाया जा रहा है दोस्तों,
रवाना हो रहा है और दिखाते हैं आपको मेला। बाबू आया है, रिया सब कोई आया है मेला मेला में इसी तरह घूमने। बाबू के लिए देखिए छोटा सा खिलौना खरीदे हैं। अब नहीं मानता, आता बाजार में तो खिलौना चाहिए करता है, तो हम खरीद दिए दोस्तों। चलिए अभी लोग खा लें, जो लोग खाने के लिए बैठी है। यहाँ लंगर हो रहा है दोस्तों, लंगर हो जाने दीजिए। अब घूमेंगे थोड़ा सा बाबू को लेके, उसके बाद घर जाएंगे। बस देखते हैं क्या क्या खरीदवाता है। अब वो तो खिलौना का शौकीन है दोस्तों, खिलौना का शौकीन छोटा लड़का सब जिसके यहाँ भी है उन्हें पता होगा वो कितना शौकीन है खिलौना का दोस्तों। दोस्तों गर्मी बहुत हो रहा है, आज नहाने का मन कर रहा है, लेकिन जाएंगे तो देखते नहाते हैं क्या करते हैं। अब देखते हैं, खा लेने दीजिए, तब आपसे बात करते हैं। गाइस देखिए बच्चा लोग खेल रहा है दोस्तों, दोस्तों आपको दिखाते हैं बच्चा लोग खेल रहे हैं। बाबू खेल रहा है दोस्तों, ऊपर गया है, ऊपर गया खेलने के लिए। दोस्तों खेलने दीजिए, थोड़ा सा आपको शॉर्ट्स दे रहे हैं खेलने का बच्चे लोग का। मेला में इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, देखिए किस तरह खेलता है।